तो देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल और गुड़ की लड्डू। तो ये कच्चा नारियल है और इसको हम फोड़ के ऐसे छुरा के रख लिए हैं। अब इसके लिए हमें इसको आप चाहे तो इसको घिसनी से घिस सकते हैं या मिक्सर में इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम बता चुके हैं ना कि नारियल के लड्डू आज हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम दो नारियल लिए हैं। तो इसको हम ऐसे घिसने में तो बहुत टाइम लग जाता है, उसके लिए हम कि मिक्सर के जार में रख के इसको पीस लिए हैं। तो ऐसे हो गया, देखिए कद्दूकस जैसा ही है। और दो नारियल है तो 300 ग्राम हमने गुड़ कद्दूकस कर लिया, ऐसे कद्दूकस नहीं छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए है इसको। और हम इसमें मिला देंगे, बहुत आसान तरीका से मैं आपको बता रही हूँ, कोई झंझट नहीं है। बस नारियल लीजिए, नारियल फोड़ के उसको पीस लीजिए, गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और गैस पर डाल के आप मिक्स करके और लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारी ये नारियल के जो लड्डू बना रहे हैं तो उसका ये तैयार हो चुका है। देखिए कैसे कढ़ाही छोड़ रहा है और कितना अच्छा इसका पाक बन गया है, देखिए कितना अच्छा। बस अब हम बंद कर देंगे गैस और इसके लड्डू बांध देंगे। तो देखिए हमारा लड्डू बन के तैयार हो चुका है और कितना सुंदर लड्डू दिख रहा है। और बिल्कुल इसे जब बनाते समय न इसमें तेल लगाने की ज़रूरत, न घी लगाने की, न पानी, कुछ नहीं। बस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ठंडा पड़ जाए और फटाफट लड्डू बन। और ऊपर से ये तेल छुट्टी रहा, देखिए कैसे चमकीला है ये तेल। हाँ, जैसे बनाइएगा ना तो हाथ में अपने आप तेल उसका छुटेगा और लगेगा। और खाने में तो बहुत टेस्टी बना है और इतना अच्छा, बिल्कुल माने कोई झंझट नहीं। नारियल फोड़िए, नारियल को घिस लीजिए या पीस लीजिए और गुड़ मिलाइए और लड्डू बांध दीजिए। मात्र मुश्किल से 13 से 14 मिनट आप गैस पर उसको चला सकते हैं, इतना टाइम लगेगा। और चला के फिर वो अपने आप छोड़ने लगेगा घी और उसके बाद पता चल ही जाएगा, मैं दिखा चुकी हूँ कि कैसे बन गया था। और उसके बाद बंद करिए गैस और बना दीजिए, बस 15 से 20 मिनट के काम है, उससे ज़्यादा नहीं। और इतना अच्छा बन जाता है देखिए नारियल का लड्डू, बहुत टेस्टी बहुत लगता है। आप खा के एक बार ध्यान से देखिए और बना के खा लीजिए, फिर आप बताइएगा हमें कैसा है। तो दोस्त आप जब बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो एक बार हमारे रेसिपी को देखिए और बनाइए और खाइए और फिर पता चलेगा, तो आपको मन करेगा कुछ कुछ बनाने का। तो देखिए